हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आकाश सेजरन। ठीक है, तो आज है 28 दिसंबर 2020, 28 दिसंबर। आज नए साल आने में बस 3 दिन का समय बाकी है। ठीक है, तो हम है द हिंदू की एनालिसिस के लिए हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैंने आपके लिए आर्टिकल करा है, ठीक है, वो आपका एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि अपने देश की जगह के नाम से अपने देश के बारे में लोग कितने कनेक्टेड है। ठीक है, अपने नेशनलिज्म से कितने कनेक्टेड है लोग। ठीक है, गलवान, पेंगोंग, फिंगर फाइव, आपको पता है ये सब अभी न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी में। ठीक है, उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारे नाम काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक और फिंगर फाइव, आपके सारे नेम्स आपके जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि एक आपकी कंपनी है, ठीक है, शूज की, ठीक है, जूतों की एक कंपनी है। उन्होंने क्या किया कि जो अपने नए शूज निकाले वो उन्होंने इसी नाम से निकाल दिए, गलवान, पेंगोंग, फिंगर फाइव और डोगलाम कारगिल, ऐसे ऐसे नाम से उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, मतलब जहां जहां पर आर्मी से रिलेटेड कुछ आपके इंस्टेंसेस हुए। ठीक है, कारगिल में आपकी वॉर हुई थी, आपको पता है। ठीक है, डोकलाम में आपका स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, 73 डेज से चला था आपका 2017 में। गलवान वैली में आपका क्लैश हुआ था अभी। ठीक है, स्टैंड ऑफ तो चल ही रहा है वहाँ पे। और 0.5 आपका पैंगोंग सो, ये आपके सारे पता है ना आपको, उधर की तरफ रहते हैं आपके। ठीक है, तो इस सब वजह से सब कुछ न्यूज में था। और एक कंपनी ने क्या किया, इन सबका नाम यूज करके जो है अपने शूज निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके न्यूज़पेपर में इनकी एडवर्टाइजमेंट दे दी गई। एडवर्टाइजमेंट देने के बाद लोगों ने इसके बारे में जाना। ठीक है, और वो आपको पता है इन जगहों के नाम तो पूरे साल हमने न्यूज में सुना ही है। ठीक है, न्यूज में, न्यूज पेपर्स में हमने सुना ही है। ठीक है, जब इन चीजों का नाम उन्होंने शूज से कनेक्टेड देखा तो उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ, और कंपनी ने, कंपनी का फायदा हुआ जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर जाके जो है खरीदारी की, कंपनी की सेल्स बढ़ी। ठीक है, तो मतलब इस चीज का फायदा उठाते हुए देखिए कंपनी ने कितना भारी रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि एक तरफ कंपनी है, कंपनी ने जो है कि एक नेशनलिज्म का फायदा उठाते हुए जो है अपने मॉनेटरी बेनिफिट कर लिया। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि मतलब लोग, कश्मीर के भी लोग जो है कितने कनेक्टेड है अपने उससे, देश से, अपने देश की जगह उससे। ठीक है, और एक आपके कस्टमर का तो ये भी कहना था कि हम लोग गलवान का नाम सुनते रहते थे। ठीक है, गलवान आपका ईस्ट लद्दाख में, आपको पता है लद्दाख में आता है। ठीक है, तो अब तो वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, लेकिन पहले आपको जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में ही आता था, वो जम्मू कश्मीर के स्टेट में ही आता था। ठीक है, 2019 में इनका बाइफर्केशन कर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जब चेंज किया गया था इनका बाइफर्केशन करके जो है आपका जम्मू कश्मीर को अलग एक यूटी बना दिया और लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया गया था। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा आपको। ठीक, तो ये बस मैंने आपको इसी वजह से दिखा दिया है, वरना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज कम से कम कुछ 2-3 आर्टिकल्स को जो है मैंने क्रॉप करके लगाया है। ठीक है, उनके पूरी जो वो है पिक्चर्स को क्रॉप करके लगाया है। ठीक है, क्योंकि कुछ आज कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं थोड़े पॉइंट्स में इनको कर नहीं पाया। ठीक है, लेकिन कल से जो है इनको पॉइंट्स में दोबारा से कर दिया जाएगा पहले की वीडियोस की तरह। ठीक है, तो बस आज आज के लिए आप जो है इस तरीके से थोड़ा कर लीजिए एडजस्टमेंट। कल से जो है फिर से हम पहले की तरह इसको करेंगे, जैसे हम पॉइंट्स बना बनाया करते थे। ठीक है, तो पहला आपका आर्टिकल है टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। आपको पता है कि अब बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भी वक्त हमारे देश में डीजीसीआई की तरफ से COVID-19 की वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अप्रूवल मिलेगा पहला, मतलब आपको पता है आपका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होगा। ठीक है, इमरजेंसी यूज के लिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसको मिलेगा, एस्ट्राजेनेका वाली जो आपकी वैक्सीन है ना, ऑक्सफोर्ड वाली, जो SII जो मैन्युफैक्चर कर रही है अभी। ठीक है, जो हमारी पार्टनरशिप है SII की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो पार्टनरशिप है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उसी वाली वैक्सीन को ये दिया जाएगा, उसका नाम था कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी को ये अप्रूवल दिया जाएगा। तो अब आपको पता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जो पहले जिनको ज़्यादा रिस्क है इस इन्फेक्शन से उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा उन ग्रुप्स को। ठीक है, तो इसमें आपके, आपको पता है फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और आपकी पुलिस वाले जो है आपके, ठीक है, डिफेंस फोर्सेज और सैनिटेशन वर्कर्स, इन सबको जो है आपका ये सब दिया जाएगा। और आपका जो एल्डरली जो लोग है, ठीक है, जिनकी उम्र जो है 50 साल से ऊपर है, ठीक है, कोमोर्बिडिटीज जिनको है उनको ये सब दिया जाएगा। ठीक है,
तो इसमें आपका उसी को जो है एक एनालिसिस जो है हमारे राइटर जी ने किया हुआ है, भास्कर दत्ता जी ने, ठीक है, तो उसी को मैं वो देखते हैं। तो उनका कहना है कि इंडिया प्लान्स टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल, ठीक है, 300 मिलियन पीपल में आपके सारे वही आएंगे जिनको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है, आपके वही जो मैंने आपको बताया था, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, और देन आपके जिनकी एज 50 ईयर्स से अबव है, ठीक है। तो अगर इन सबका एग्रीगेट करें हम, तो यह हमारा आ जाता है इंडियन पॉपुलेशन का 20%, ठीक है, भारतीय जनसंख्या का 20% ही आ जाता है, ठीक है। तो हम इस बात की उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि हमारा जुलाई और अगस्त तक भारतीय पॉपुलेशन की, इंडियन पॉपुलेशन की कम से कम 20% पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, और आपको पता है कि ये आपके टोटल अगर हम इसको रियल डाटा में देखें, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन लोग ये हो है, ठीक है। और आपकी जो वैक्सीन है, आपको पता है मोस्ट आपकी जो ज्यादा से ज्यादा की वैक्सीन है, जो मेजोरिटी आपकी वैक्सीन है, ठीक है, वो 2 डोज वैक्सीन है, उनमें आपको 2 डोज देने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ टाइम गैप रहता है आपका बीच में, एक डोज के बाद सेकेंड डोज देने में टाइम गैप रहता है, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर जो वैक्सीन है वो आपकी 2 डोज है, जो आपकी कोविशील्ड है वो भी आपकी एक 2 डोज वैक्सीन है, ठीक है। तो 300 मिलियन लोगों के लिए फिर आपकी 2 डोज वैक्सीन अगर है, तो आपकी कितने डोज लगेंगे, 600 मिलियन डोजेज लगेंगे, ठीक है। और ऐसा कहना है रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम चले तो SII के साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हो चुका है 500 मिलियन डोजेस का, ठीक है। तो यही सब हमारी उम्मीदें हैं, ठीक है। दे आर रिपोर्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्ट्रक अ डील विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू एक्वायर 500 मिलियन डोजेस ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ठीक है। एस्ट्राजेनेका वही है आपकी ऑक्सफोर्ड वाली, ठीक है, ऑक्सफोर्ड वाली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप है एस्ट्राजेनेका, ठीक है, आपकी सर स्टूडेंट की कंपनी है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद स्टूडेंट की ही कंपनी है। एमरजेंसी ऑथराइजेशन फॉर दिस वैक्सीन इज लाइकली टू फॉलो सून, ठीक है। और हमें उम्मीद यही है कि इस वाली वैक्सीन को ही जो है सबसे पहले अप्रूवल दिया जाएगा। एंड देर आर अदर वैक्सीन फॉर इंक्लूडिंग भारत बायोटेक कोवैक्सीन एंड द रशियन स्पुटनिक 5, ठीक है। आपको पता है स्पुटनिक 5 जो आपकी सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले अप्रूवल मिला था रशिया में, ठीक है, रशिया की इंडिजीनियस वैक्सीन है, ठीक है, स्पुटनिक 5। और एक ये भी आपकी फ्रंट रनर है, ठीक है, अप्रूवल के लिए। देन आपका जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है, ये भी आपकी जो है फ्रंट रनर है, लेकिन कोवैक्सीन को ऐसा कह रहे हैं कि अभी इसमें टाइम लग सकता है, इसको जो है और डाटा भी इसका मांगा जा सकता है। और तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि एस्ट्राजेनेका को ही सबसे पहले अप्रूवल दिया जाएगा। अ फ्यू इश्यूज आर वर्थ डिस्कसिंग, परहैप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ट्राई स्कीम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अ डिफरेंट एंड समवट कंटेंशियस इज वेदर द गवर्नमेंट विल अलाउ प्राइवेट प्लेस एंड स्पेस इन द वैक्सीनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ इश्यूज जिनकी यहाँ पर ये बात करेंगे वो आपका होगा कि प्राइवेट प्लेस को एंट्री दी जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। अगर कुछ वैक्सीनेशन में अगर प्राइवेट प्लेस को एंट्री दी जाएगी तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ बुरे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक इश्यू है जिसके बारे में बात करेंगे। और देन एक आपका होगा कि क्या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है ये आपकी प्रायोरिटी ग्रुप को जो है निकाला गया है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए सबसे पहले प्रायोरिटी करते हैं। हु गेट्स प्रायोरिटी, द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड एल्डरली पीपल इज इन लाइन विद द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड इन यूके एंड यूएस, ठीक है। तो यूके और यूएस में आपकी सेम प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, जहाँ पर आपके फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और आपके जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है उनको जो है पहले जो है प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको पहली प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। और द रेशियो फॉर दिस इज टू प्रोटेक्ट दोज हु आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपोजर, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो है इनके इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं इस इन्फेक्शन से इम्पैक्ट एक्सपोज एक्सपोज होने की वो ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आपके, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनका कॉन्टैक्ट जो है ज्यादा रहता है पब्लिक के साथ, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स का, क्योंकि उनको तो डेली बेसिस पे जो है पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, ठीक है, वो तो काफी ज्यादा क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटीज में रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को बचा पाना, तो उनको तो देना जरूरी है ही, ठीक है। तो ये रैशनल जो है ये दिया गया, तर्क जो है ये दिया गया है, इनके लिए जो ट्रांसमिशन के जो आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी रहती है ना वो काफी ज्यादा रहती है। आइडियली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुड कीप बोथ दीज इन माइंड, इन सम केसेस देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और किन दो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन ड्राइव है दिस शुड हैव टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव आपके हैं, वन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड एंड टू, ठीक है, तो मतलब जिन लोगों को वैक्सीनेटेड ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है।
टू मिनिमाइज और एटलीस्ट स्लो डाउन द स्पीड एंड स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, आपको पता है कि अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं की जाएगी, ठीक है, मान लीजिए अगर वैक्सीनेशन किसी देश में नहीं है तो वहाँ पर जो है इन्फेक्शन जो है फैलना खतरा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए देखिए अगर वैक्सीनेशन कर दी गई तो आपको पता है कि इम्यूनिटी जो है लोगों के अंदर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम तोड़ने में जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दो ऑब्जेक्टिव आपके जो है किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए फुलफिल होने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करता तो उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फिर से कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको री इवेल्युएट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। उस वैक्सीन को भी जो है उस वैक्सीन की एफिशिएसी को भी जो है फिर से हमें देखने की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी। ठीक है, एंड हाउएवर द प्रायोरिटी गिवन टू ओल्डर पीपल मे नॉट एक्चुअली मिनिमाइज द टोटल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट इन्फेक्टेड बाय द वायरस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या कहना है, यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो आपके बूढ़े लोग हैं ना, ठीक है, उनको अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो उससे जो है हमें इतना ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो आपके बूढ़े लोग हैं ना वो आपके सोशली मोबिल नहीं होते करें। ठीक है, आप अपने घरों में भी देख लीजिए, जो आपके बूढ़े लोग रहते हैं वो ज़्यादातर आपके घर में रहता है। ठीक है, वो इतना उनका बाहर आना जाना होता नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा वो आपका जो है मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, वो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। तो उनको अगर उनका कंपैरिजन करें आप अगर यंग जनरेशन से, ठीक है, बच्चों से ही कर लो या फिर जो आपके घर के बड़े हैं उनसे कर लो, उनका डेली बेसिस पे बाहर आना जाना रहता ही रहता है। ठीक है, चाहे वो किसी काम के संदर्भ में जाए या बच्चे किसी खेलने के किसी उसमें जाए, ठीक है, उनका आना जाना बाहर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्टैक्ट रहता है बाहर के लोगों से वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा रहता है। बूढ़े लोग तो आपके घर पे रहते हैं, ठीक है, जो आपके एल्डरली लोग हैं वो तो आपके घर पे ही रहते हैं। तो उनका यहाँ पे यही कहना है हमारे राइटर का कि इसी वजह से ये फायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो घर पे रहते हैं। और अगर हम कंपैरिजन अगर हम इसके बिल्कुल उल्टा करते हुए हम लोग अगर यंग पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट करें तो हम फिर ज़्यादा हमें जो है इम्पैक्ट इसका अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर रहता है, उनका जो कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा रहता है बाहर की दुनिया से। और दिस सजेस्ट दैट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, फॉर इंस्टेंस धारावी स्लम, शुड रिसीव फार मोर अटेंशन देन दे आर लाइकली टू गेट अंडर द करंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो उनका ये तो फिर इसी वजह से उनका ये भी कहना है कि जो हमारे डेंसली पॉपुलेटेड जो जगह है, आपको पता है धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, ठीक है, जो मुंबई में है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटीज में घर बने हुए हैं, एक घर में जो है कितना कम कम जो है आपका एरिया है। ठीक है, और उसी कम एरिया में कितने कितने आपके लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, वहाँ पर तो आप कैसे भी करके कुछ भी नहीं कर, ऐसा कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि आप कि घर में अगर किसी एक को कोरोना हो जाए तो कोई बाकी के जो घर के मेंबर हैं वो बच जाए, क्योंकि उनमें डिस्टेंसिंग नहीं रहती ना, वो बहुत ज़्यादा आसपास रहते हैं वो लोग। ठीक है, छोटे से छोटे काम करने के लिए भी उनको बहुत आसपास रहना पड़ता है। ठीक है, तो उनका ये फिर यही कहना है कि धारावी जो स्लम है आपकी, उनको जो है स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, अफकोर्स द पॉइंट इज दैट एलोकेशन गाइडलाइंस मस्ट स्क्वायरली फेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। दिस इज डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ बट वन अबाउट विच रीजन फॉर हिज एजेंसी। ठीक है, तो इसको जो है थॉट देने की जरूरत है। ठीक है, देन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी सीम्स टू डिपेंड एंटायरली ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी फोकस किसके ऊपर कर दी है, अपने साथ डोमेस्टिक सोर्स पे फोकस कर दी है, ये अच्छी बात है। और इट ऑल्सो प्लान टू रिलाई एंटायरली ऑन पब्लिक रिसोर्सेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो अभी की जो प्लान है, जो अभी की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि वो जो है सब कुछ जो है पब्लिक सोर्सेज से किया जाएगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट प्लेयर को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स अगर पिक्चर में आते हैं तो आपको पता है कि कमर्शियल बेनिफिट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जिसके लिए कोई भी एक चीज़ सबके लिए एक्सेसिबल नहीं रहती, उसको फिर वही अफोर्ड कर पाता है जिसके पास वो खरीदने की क्षमता है। ठीक है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं खर्च करने के लिए, वही जो है उसको खरीद पाते हैं। देन मोर ओवर द गवर्नमेंट प्लान्स टू बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का यह भी यही प्लान है कि आपका जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है, इसकी जो पूरी जो आपकी लागत आएगी वो गवर्नमेंट ही जो है उसका भार उठाने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपके प्रायोरिटी बेसिस पे जो आपकी जो आपका प्लान बनाया गया है, ठीक है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका जो पूरा उसकी जो पूरी लागत है जो भार है वो पूरा सरकार ही उठाने वाली है। ठीक है,
और जो आपको पता है बहुत अच्छी बात है। फिर इसके लिए आपके जिन लोगों के पास उसको खरीदने की क्षमता नहीं है उनके लिए भी ये वैक्सीन आपकी अवेलेबल रहेगी। बट कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। सपोज फिजर और अदर सम अदर मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी अप्रोचेज द गवर्नमेंट बोथ फॉर ऑथराइजेशन ऑफ वैक्सीन एज वेल एज फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट एंड सेल टू दोज हु कैन अफोर्ड इट। ठीक है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि जो आपकी फिजर है, ठीक है, या फिर कोई और प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, तो अगर वो गवर्नमेंट को जो है अप्रोच करे कि हम जो है यहाँ पर आपके देश में इंपोर्ट करना चाहते हैं वैक्सीन को, फिर उसको प्रॉफिट के लिए जो यहाँ पे बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? ठीक है, एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट विल एनेबल द एफिलिएंट टू जंप द वैक्सीनेशन क्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल दे दिया तो फिर आपको पता है कि जो आपके बेल ऑफ सेक्शन सोसाइटी के, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हैं रिच पीपल आप मोस्टली कंसिडर करेंगे इसमें, ठीक है, तो उनके पास जो है वैक्सीनेशन का पूरा पूरा मौका आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही, इनिशियल फेज में ही, ठीक है, फिर आप लंबी लंबी कतार देख सकते हैं। ठीक है, उसके फिर डिमांड आप देख सकते हैं जिसकी वजह से उसके प्राइसेस भी हमें बढ़ते हुए आराम से दिखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो आपके जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, जिसके पास इतनी ज़्यादा परचेसिंग पावर नहीं है, ठीक है, उनको हम कहीं ना पीछे खड़ा हुआ देखेंगे। बट परहैप्स अ मोर डिस्पैशनेट एनालिसिस वुड सजेस्ट दैट अलाउिंग द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड एडिशनल सप्लाईज ऑफ द वैक्सीन वुड नॉट रियली बी अ बैड पॉलिसी डिसीजन आफ्टर ऑल। ठीक है, इवन वेन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर टेकन इंटू अकाउंट। ठीक है, लेकिन आपके राइटर का जहाँ पर आपका ये कहना है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करना इतनी भी कोई बैड पॉलिसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो पुअर पीपल है उसका ध्यान तो गवर्नमेंट रख ही रही है ना, रख ही रहा उसका ध्यान तो गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप अमीर लोगों के लिए प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि फिक्सर कंपनी है जो उसको आप अलाउ कर दीजिए ताकि वो इंपोर्ट करे और जो है अपना आसानी से यहाँ पर उसको बेच सके और आपके जो बेल ऑफ सेक्शन सोसाइटी है वो उसे खरीद सके। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली होगी कि गवर्नमेंट जो आपकी वैक्सीनेशन करेगी वो होगी आपकी एस्ट्राजेनेका वाली की। ठीक है, और वहीं आप अगर आप देखेंगे तो जो जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स जो आपके जैसे फिक्सर कंपनी है जो कर रही है, ठीक है, वो वैक्सीन आपकी अलग रहेगी, वो आपकी ऑक्सफोर्ड वाली नहीं होगी, वो आपकी एस्ट्राजेनेका वाली नहीं होगी। ठीक है, कोविशील्ड वो वैक्सीन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिस्प्यूटेड डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है इस बात पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन अलग अलग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बात उठेगी उठेगी कि एक वैक्सीन जो है उसको गवर्नमेंट जो लगा रही है वो अलग है और जो प्राइवेट प्लेयर जो लगा रहे हैं वो अलग है, तो इस बात पर डिस्प्यूट शायद होने को देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया में हो जाता है ये सब। दिस विल इनएविटेबली अट्रैक्ट द चार्ज द गवर्नमेंट इज केटरिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिचर ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। अब बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट दिस वुड नॉट डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इन टू द पुअर। ऑफकोर्स दिस अज्यूम्स दैट द गवर्नमेंट विल एंड शुड कंटिन्यू टू प्रोक्योर ऑल अवेलेबल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वैक्सीन एंड सप्लाई देम थ्रू इट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो भाई आपको बताया गया है कि जो डोमेस्टिक सोर्सेज से जो आपके गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है। ठीक है, तो इतना कुछ इस आर्टिकल में वैसे था नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका आपका जो ये पूरा है ना ये आर्टिकल ये आपका सिर्फ अभी के वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका पैंडेमिक जब तक है, क्योंकि एक बार पैंडेमिक गया ना ये सब कुछ हो गया तो सब भूल जाएंगे इसको, कोई इस पे इतना ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है। ठीक है, अभी सब कह रहे हैं कि जो है हमें सिखा के जाएगा हमें सब हाइजीन सिखा के जाएगा, बेसिक हाइजीन सिखा के जाएगा, हमें मास्क वेयरिंग क्या डाल के जाएगा, पर ये सब कुछ देखना आप एक दो साल में सब भूल जाएंगे, कोई इसका ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है, और मंडे को आपको बताऊं मैं, मंडे को आर्टिकल्स आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं आते, आपके ट्यूजडे को ज़्यादातर आपके मोस्टली अच्छे आर्टिकल आते हैं। ठीक है, ट्यूजडे को, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और बस एक बार इसको कंप्लीट कर लें जो आपका हल्का हल्का रह गया वो आपको मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ हल्का हल्का। ठीक है, और फिर आपको इसमें आपका एक डिफरेंस की बात की गई है कि अगर हम बात करें कि इसकी मॉडर्ना की बात करें, मॉडर्ना आपको पता है अमेरिका की कंपनी है, देन आपकी फिफ्जर की बात करें तो वो भी आपकी अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और इन दोनों कंपनीज की वैक्सीन को जो है अब अमेरिका में अप्रूवल मिल गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यह कहा है कि अगर हम बात करें ईयू ईयू के एक वो थे लीडर, उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था प्राइस के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में, तो उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि मोडोना जो है वो $18 पर डोज देगी, और वहीं पिफ्जर की बात करें तो वो 12 यूरोस पर डोज। ठीक है, जो कि अभी मोडोना के प्राइस से भी कम है। ठीक है, ठीक है, तो आपके वहां के प्राइस के लिए बता दिया, लेकिन अगर हम इंडियन न्यूज़पेपर्स की बात माने तो इंडिया में जो इन वैक्सीन की जो कॉस्ट रहेगी वो आपकी हो जाएगी $37 पर डोज। ठीक है,
उसकी आपकी पिप्जर की, ठीक है। तो देख लीजिए मतलब प्राइस, मैं आप गैप देख लीजिए, जो ईयू के लिए जो प्राइस है आप क्या वो प्राइस देखें पहले, और फिर जो इंडिया की जो प्राइस है वो देखो, ठीक है, पिप्जर एक कंपनी का ही, ठीक है। तो आप देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक ये रोल प्ले हो सकता है कि आपको पता है ईयू में आपके 27 देश आते हैं, ठीक है, 27 आपके कंट्रीज आती हैं उसमें, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है कि उसमें इतनी बड़ी उसकी मार्केट है, इतनी बड़ा जो है उसमें पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्राइस नेगोशिएट हो गया होगा। लेकिन इंडिया की वो भी आपको पता है, इंडिया की जो आपकी मार्केट है वो इतनी छोटी है नहीं, आपको पता है बहुत काफ़ी अच्छी मार्केट है इंडिया की भी, अच्छी खासी अमाउंट में रहती है, ठीक है। मोस्टली कंट्रीज से आते हैं कि उसकी कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपके इंडिया में जो है इंडिया के मार्केट का एक्सेस उनको मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट एक्सेस का इस्तेमाल जो है हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, ताकि प्राइस जो है नेगोशिएट किया जा सके उनके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका है इस पूरे साल का वो जो है एक समरी जो है एम के नारायण जी ने बना के दिखा दी आपको, ठीक है। एम के आपके जो राइटर है वो आपके एम के नारायणन, ठीक है। तो इन्होंने आपके पूरे साल की एक समरी से बना के आपके सामने लिख दी है, और कुछ चैलेंजेस जो है हमारे हमने इस साल में फेस किए, और कैसे जो है आगे के लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए वो भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कि 2020 का जो साल है वो मुश्किल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया की मुश्किल रहा है, इंडिया के लिए भी मुश्किल रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे रहा है वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं पैंडेमिक एंड अदर इश्यूज, ठीक है। आपको पता है कोरोना वायरस आया, ठीक है, पैंडेमिक पूरी दुनिया में, जिसके बाद इंडिया में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपका हेल्थ क्राइसिस भी आया, ठीक है। और इसी की सबकी वजह से बहुत सारी हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली बड़े लेवल पे, ठीक है। इनकम लेवल्स में हमें गिरावट देखने को मिली, पॉवर्टी बढ़ती हुई हमें ऑब्वियसली दिखेगी, ठीक है। और ठीक है, तो मतलब बहुत सारे खराब खराब इम्पैक्ट हमें इसको देखने को मिले, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द पैंडेमिक, 2020 विटनेस्ड अदर इवेंट्स दैट एग्रेवेटेड द सेंस ऑफ अनईज, ठीक है। और पैंडेमिक से बाहर अगर निकले तो पैंडेमिक के अलावा भी बहुत सारे इशू ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने जो है भारत के लिए मुश्किलें बनाई, ठीक है। तो वो है आपकी, जैसे हम बात करें चाहे हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो LIC पे, ठीक है, और या फिर हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने भी जो है देश में थोड़ा सा अनीस का माहौल बनाया, ठीक है। आपको पता है कि अब तो लगभग मई में स्टार्ट हुआ था हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ मई में, अब देख लीजिए साल खत्म होने वाला है, और 3 दिनों में साल खत्म होने वाला है, तो कितना लंबा ये स्टैंड ऑफ जो है चल चुका है। और इसी वजह से जो आपके इंडिया चाइना के रिलेशन है उन पे काफी ज्यादा हमें खराब इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। और काफी सारे इंडिया ने एप्स भी बैन किए। देन आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपका नक्सलाइट वायलेंस हमें राइस पर देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा मिलिटेंसी हमें देखने को मिली, ठीक है। जो एनकाउंटर था आर्म फोर्सेज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में वो ज्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी बॉर्डर की बात करें तो वहां से हमें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हमें देखने को मिली, जिसमें हमारे सिविलियंस और आर्म फोर्सेज के कुछ ऑफिसर्स की भी जान ली, ठीक है। तो ये सारे आपके रीजन थे, ये सारे आपके बाकी के आपके प्रॉब्लम्स थी। और वेस्ट बंगाल में आपको पता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कितनी तनातनी में चल रही है, ठीक है, कितनी जो रेटोरिक जो है उनके बीच में अब चल रहा है, ठीक है। और आपको पता है इलेक्शन पास में है आपके वेस्ट बंगाल की असेंबली के, तो कहीं ना कहीं ये सब हमें जो है अब धीरे धीरे टाइम से बढ़ता हुआ दिखेगा, जब तक कि आपके इलेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। रिलेशन बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता आर एट द नदर टुडे एंड ग्रेव कंसर्न्स एग्जिस्ट अबाउट वोलेंस इन द इलेक्शन, ठीक है। और इसी बात की एक संभावना जो है, इन्हीं बात की एक संभावना ये भी है कि इलेक्शन के वक्त जो है हमें काफी ज्यादा वहां पर वोलेंस देखने को मिल सकती है। हाईली डैमेजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी वॉज द रिजोर्ट टू पॉपुलिस्ट मैनुवरिंग मेनली बाय द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंटेंडेड टू अपस्लो ग्राउंड रियलिटीज टू अचीव डिजायर पोलिटिकल एंड, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी सी निंदा करते हुए ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पोलिटिकल एंड्स को, जो आपके पोलिटिकल रिजल्ट उनको अचीव करने के लिए जो है कुछ गलत तरह की प्रैक्टिस को रिसोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे आपकी चाहे वो आपकी डिफेक्शन की पॉलिसी क्यों ना, आपको पता है डिफेक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और आप नोट करेंगे ना तो जो डिफेक्शन आपका हो रहा है ना मोस्टली वो सारा आपका बीजेपी में ही जा रहे हैं, सारे आपके जितने भी आपके मेंबर्स हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वो डिफेक्ट करके बीजेपी में ही जा रहे हैं। ऐसे बहुत कम है जो किसी और पार्टी को चूज कर रहे हो, वरना मोस्टली आपके सारे बीजेपी में ही डिफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह इसमें सारा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रैक्टिस को
थोड़ा रोकने की जरूरत है, थोड़ी स्टेबिलिटी जो है हमें डेमोक्रेसी में लाने की जरूरत है, ठीक है। और अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आपको पता है कि इकोनॉमी जो हमारे रिसेशन में जा चुकी, टेक्निकल रिसेशन जो आपका वर्ड यूज किया गया था, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कम हो गई है, 131 आपकी रैंक अब इंडिया की हो चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भी जो आपकी इंडिया की रैंक है उस पर काफ़ी ज़्यादा पथेटिक स्कोर रहा है, ठीक है। और अगर हम नई लेजिस्लेशन की बात करें तो आपके सोशल इश्यूज आपके रहते हैं, जैसे आपका यूपी में आपका एक लॉ पास हुआ, ठीक है, इंटरफेथ मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें जो है आपके काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है, यूपी में आपका पास हुआ था। देन आपका मध्य प्रदेश में अब एक बिल लाया गया है, ठीक है, और फिर फार्मर्स रिलेटेड आपके बिल्स जो है वो बाकी के आपके कुछ इश्यूज है, ठीक है, और जो आपका एजुकेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वही सब जो है ये पूरे इस पूरे साल की हाइलाइट जो है रही, जिसको इंडिया को जो है जरूर डेफिनेटली जो है एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स जो है फ्यूचर में फिर से अराइज ना हो, ठीक है। और अगले साल के लिए क्या चैलेंजेस हैं, देन फिर बात करते हैं उनके बारे में। आपको पता, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी अपर हैंड क्यों है, क्योंकि उनके पास तीन एडवांटेज है। तीन एडवांटेज क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ इलेक्टोरल सक्सेसेस फॉर द रूलिंग पार्टी, ठीक है, कुछ इलेक्टोरल सक्सेस जो है उनके पास नहीं है, चाहे आप राम मंदिर की बात करें, चाहे कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने की बात करें, ठीक है, तो इनमें इनको जो है आप उनकी इलेक्टोरल सक्सेस में उनको काउंट कर सकते हैं। देन पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको पता नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है पूरे आपके इंडिया में लोगों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लोग जो है वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए वोट करते हैं, ठीक है, यही एक रीज़न है कि बीजेपी को इतने सारे वोट्स जो है मिल जाते हैं, ये इसका ये एक बहुत बड़ा रोल जो है मोदी जी की पॉपुलैरिटी प्ले करती है इन सब में, ठीक है। देन आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है बीजेपी का भी, ठीक है, आपको पता है कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही हाँ अपने घुटने टेक दिए आप कह सकते हैं, ठीक है, बस कांग्रेस जो है सिर्फ बातचीत कर रही है आपको, सिर्फ ना वो सबकी रेटोरिक में इन्वॉल्व है, ठीक है, वरना इतना कोई टफ कॉम्पिटिशन जो है बीजेपी को नहीं दिया जा रहा है। इसी की वजह से जो है आपकी बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहती है, ठीक है, वो आराम से जो कुछ भी चाहती है वो आराम से कर लेती है, इतना ज़्यादा जो है अपोजिशन में देखने को उस बात का नहीं मिलता, ठीक है, अपोजिशन देखने को भी मिले, बेशक देखने को मिले, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें गवर्नमेंट के डिसीजन पर किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता, ठीक है, जो करना होता है गवर्नमेंट को वो आसानी से कर देती है। देन बात करें तो फिर आपका फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात कही आपकी, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया मस्ट नॉट रिमेन कंटेंट ऑफ सेटिस्फाइड विद द करंट स्टैंड ऑफ विद लद्दाख विद चाइना इन द लद्दाख फैक्टर, ठीक है, तो मतलब इंडिया को जो है उस वाले सेक्टर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, इंडिया शुड थिंक ऑफ वट बेटर ऑप्शन आर अवेलेबल टू इट टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज सर्टनली वर्किंग टू इट्स डिसएडवांटेज एंड इज एनेबलिंग मैनी ऑफ इट्स नेबर्स टू प्ले चाइना अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, तो चाइना से फिर उन्होंने ये कहा कि फॉरेन पॉलिसी में जो है इंडिया को फिर से अपना एक रिकंसिडरेशन करना चाहिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए ताकि चाइना का इस्तेमाल इंडिया के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना करा जा सके, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है वो चाइना को हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है और दोनों के दोनों मिलकर हमेशा जो है इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश जो है इनके इन दोनों के द्वारा हमेशा की जाती है। इफ इंडिया इज टू बी व्यूड एज द ओनली नेशन इन द एशिया दैट कैन स्टैंड अप टू द चाइना चैलेंज, इट मस्ट कम अप विद अ होल न्यू पैराडिग्म ऑफ आइडियाज ऑन विच फर्दर एक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब अगर इंडिया को अपनी ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि हाँ चाइना के चैलेंज को हम जो है आसानी से टैकल कर सकते हैं, तो जो है इंडिया को अपने आइडियाज और अपनी अप्रोचेस में थोड़े थोड़े पैराडिग्म चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। स्टेटमेंट क्रिटिकल ऑफ चाइना इवन अमाउंटिंग टू अब्यूज इन मैनी इंस्टेंसेस आर हार्डली एन आंसर टू द मोस्ट सीरियस फॉरन पॉलिसी चैलेंजेस टू द कंट्री फेस, ठीक है, और सिर्फ चाइना का क्रिटिसिज्म करने से जो है बात नहीं बनेगी, ऐसा जो है हमारे लेटर्स आपका कहना है, ठीक है। देन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात कही गई है, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ बात कहेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है काम नहीं होगा, सिर्फ ये कहना कि हम जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने बहुत सारी एजेंसीज के आपके आपकी प्रेडिक्शन को जो हमने बीट कर दिया है, सिर्फ इन सब चीज़ों से बात जो है नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं उसके डायरेक्शन में हमें काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 2021 के लिए यही कहा है कि
जो जॉब क्रिएशन है उस पर ध्यान देना चाहिए यूथ के लिए, ठीक है, कि अगर यूथ के लिए जॉब क्रिएशन की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जो है एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पता है कि यूथ के लिए अभी जॉब नहीं है, और यूथ के लिए अभी आपका कोरोना वायरस की वजह से जो आपके नॉर्मल लोग हैं ना, उनके उनके पास भी जो है इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपके कोरोना की वजह से ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इन सबको टैकल करने की इंडिया को डेफिनेटली ज़रूरत है, और डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो आपकी आपका कंजप्शन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें बताया गया है। और देन एक बिलीफ ये तोड़ने की ज़रूरत है कि जरूर जो है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको कि असंवैधानिक जो है करार दिया जाए, ठीक है। सारे ऐसे काम की करे जाने चाहिए जो कि पूरे संविधान के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम ना हो जो संविधान के अगेंस्ट में जाए, संविधान के बिल्कुल जो है उल्टे तरीके से जाए, ठीक है। तो ऐसे काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहिए, और ऐसा जो बिलीफ है, ऐसा जो विश्वास है, वो सारे आपकी ओपोजिशन पार्टीज और आपकी देश के लोगों में ये जो आपका बिलीफ है, ये फिर से उसको सेटल करना चाहिए, उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। और आपका सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो हमेशा कहते रहते हैं, जो हमारे हम पिछले 73 सालों से कह रहे हैं ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है कि इसको सच्ची में करना चाहिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको ग्राउंड बेसिस पे, ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे जिसको करना चाहिए, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो आपका वो होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ रेटोरिक से बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं रेटोरिक के बीच में जो आपके पिस रहे हैं वो आपके लोग हैं, ठीक है, आम लोगों को इसे सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काम जो है आपका होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका सूडान का, इसमें बस आपका यही बताया गया है कि सूडान जो है वो आपको बताया कि इसराइल इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है, इसराइल के साथ अपने रिलेशन को जो है नॉर्मलाइज करने वाला है ना सूडान। तो इसकी वजह से जो आपको उसको अब जो प्राइज है उस चीज़ का मिलने वाला है, ठीक है, जो मिल भी गया है कि जो अमेरिका ने उसको टेररिज्म के ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट से जो उसको है बाहर निकाल दिया गया है सूडान को अमेरिका के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये उसी का जो है एक प्राइज जो है सूडान को मिला है, कि क्योंकि उसने इसराइल को जो है रिकॉग्नाइज अब कर लिया है, ठीक है। तो लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि वो जो सच्ची बात भी है कि सिर्फ इस बेसिस पे कि एक देश ने आपके कहने के अनुसार किसी दूसरे देश को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इस बेसिस पे आप उसको प्राइस के तौर पे एक इतना बड़ा स्टेप अप नहीं दे सकते कि आपने उसको जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सबको पता है कि हमेशा से जो है वहां पर टेररिज्म जो है हमेशा से रहता है, ठीक है। उसने जो 1996 तक जो ओसामा बिन लादेन को पनाह दी सूडान ने, ठीक है, देन आपका वहाँ पे मिलिट्री मिलिट्री रिजाइन जो उसको वहाँ पे जो आपका वो है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी बैकिंग की, देन आपका हेजबोला इन सबको जो है वहाँ पे सपोर्ट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ दर्शाते हैं कि जो आपका सूडान में है वो टेररिज्म अभी काफी हद तक अभी वहाँ पर अभी भी है, ठीक है, कम वहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से जो है चाहे उसको अमेरिका को बचना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप ऐसा प्राइस किसी देश को नहीं दे सकते, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सॉवरेनिटी पे भी, सूडान की सॉवरेनिटी पे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी एक देश के कहने पर आपने किसी दूसरे देश के साथ आपने अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज कर लिया, आपका खुद का कोई मत नहीं हुआ, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं हुई, खुद की आपकी सोच की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जो सूडान को भी ध्यान देना चाहिए कि ये उसकी सॉवरेनिटी पे बहुत बड़ा एक एक ब्लॉट आंसू कह सकते हैं, ठीक है। और ये अंदेशा कि हाँ सूडान पे से अब सैंक्शन हटाए जा सकते हैं, वो आपका 2017 में ही मिल गया था। 2017 में आपके जो है सैंक्शन को जो है पार्शली थोड़ा कम कर दिया गया था, देन आपका यूएस और सूडान के बीच में एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक हमें हल्का हल्का अंदेशा जो है वहां से मिल गया था कि हाँ कुछ टाइम के बाद जो है आपका सैंक्शन जो है इसके ऊपर से हटाए जा सकते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। अब सूडान को जो है ज्यादा से ज्यादा उसको मिलेगा आपका एक्सेस मिलेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपके बैंक्स का, इंस्टीट्यूशंस का, इन सबका आपको एक्सेस मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का उसको एक्सेस मिलेगा। और जो आपके उसके आपको पता ही है उसको तो अब काफी ज्यादा उसको लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ था? क्योंकि आपको पता है सूडान और साउथ सूडान दो आपके देश हैं। 2011 में आपका सूडान से एक नया देश बना था जिसका नाम था साउथ सूडान, ठीक है। तो साउथ सूडान में आपकी मोस्टली आपके जो ऑयल रिजर्व थे ना वो सारे चले गए, ठीक
ठीक है, जिसका घाटा जो है सूडान को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि उसी ऑयल रिजर्व का फायदा उठाते हुए वो जो है अपना इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा कर सकता था, जिसका फायदा काफी ज्यादा हो सकता था सूडान को। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया है आपका। देन आपका क्रैक्स, द सेक्रेट क्रैक्स ऑफ चाइना, चाइना के बारे में कुछ बात किया गई आपकी, इसमें कि चाइना ने जो है विंस्टन चर्चिल की फेमस सेइंग थी, उसका उस पे जो है बिल्कुल काम करते हुए एक क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाने दिया। ठीक है, क्राइसिस का पूरा फायदा उठाया अपने पर्सनल एजेंडाज को पूरा करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से एजेंडाज हैं, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, और इसका आपके ये कोट क्या है, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। ठीक है, इसको आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, कोट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एक आंसर के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिला इसका भार, वहाँ पर देखने को हांगकांग को, हांगकांग पे। ठीक है, हांगकांग में आपको पता है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया गया, जिसके तहत आपका डिसेंट को बिल्कुल ही कर्ब करने की बात की गई, यहाँ पे जितने भी डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर आपके हांगकांग में वाइड स्केल पे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि आपको पता है एक नया लॉ लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि क्रिमिनल्स जो होंगे उनको जो है चाइना मेनलैंड में एक्सट्राडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको जो है चाइना में भेज दिया जाएगा ताकि वहां पर जाकर उनका ट्रायल किया जा सके। ठीक है, तो इस बात के लिए काफी ज्यादा वहां पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। ठीक है, प्रोटेस्ट देखने को मिले। ठीक है, जिसके बाद जो है चाइना ने इस साल ये वाला लॉ पास कर दिया, जिससे कि डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट इन सबको जो है डिटेन किया जा सके और डिसेंट को जो है कर्ब किया जा सके। ठीक है, जिसकी कड़ी निंदा जो है बहुत सारे देशों ने की। ठीक है, अमेरिका ने की, यूके ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की, बहुत सारे देशों ने जो है काफी ज्यादा कड़ी निंदा की। और 2014 में भी आपका एक हमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हमें हांगकांग में देखने को मिले थे। ठीक है, 2014 में आपको पता है एक आपका अम्ब्रेला रेवोल्यूशन आपका हुआ था ना, वो आपका हांगकांग में हुआ था। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ब्रेला रेवोल्यूशन किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका आ सकता है हांगकांग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन को आप जरूर याद रखें, 2014 में ऐसा हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने क्या मांग की थी, उन्होंने ये मांग की थी कि जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है ना उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं। ठीक है, देन दिस टाइम अराउंड द रिप्राइजल्स वर स्विफ्ट एंड अनफ्लिंचिंग। ठीक है, इस बार आपको पता है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया गया था ना, तो इस बार भी आपके प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है हमें डिटेंशन विटेंशन हमें देखने को मिले, जिसमें काफी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, और ये आपका क्यों किया गया था, ये आपका डिसेंट को ही कर्ब करने के लिए किया गया था, कि हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को पकड़े, ठीक है, जो कि सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। ठीक है, और अगेंस्ट में बोल के कुछ गलत वो कर नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उनपे काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं एट्रोसिटीज की जा रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा। ठीक है, तो कुछ गलत वो नहीं कर रही। और एक और लॉ जो है वो फिर से पास किया बीजिंग ने, जिसमें उसमें ये कहा है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो आपके लॉ मेकर्स को, मतलब वहाँ के जो लेजिस्लेटर्स है उनको उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर सकती है अगर वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं तो। ठीक है, तो इसके क्या हुआ, इसके बाद जो है आपके चार लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई कर भी दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट में आपके बाकी के कुछ लॉ मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है रिजाइन कर लिया प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप कि कितना ज्यादा डिप्लीशन जो है हांगकांग का हो रहा है, जो ऑटोनोमी है वो नाम नाम की रह चुकी है वहाँ पे। ठीक है, एट्रोसिटीज जो है बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है वहाँ पर अब। ठीक है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो हांगकांग में जो हालत है वो भी बहुत खराब है। ठीक है, उसके बाद हांगकांग के आगे निकले, तो हांगकांग के बाद देन आपका है ताइवान। ताइवान में आपको पता है कि काफी ज्यादा रिसेप्शन देखने को मिली चाइना ने जो किया, आपको पता है ताइवान की जो स्ट्रेट है, ताइवान जो स्ट्रेट है, ठीक है, वहां पे भी चाइना ने अपने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करवाए। ठीक है, और हिमालयन फ्रंटियर लद्दाख में आपका स्टैंड ऑफ देखने को मिला चाइना के साथ इंडिया का, और साउथ चाइना सी में आपका काफी ज्यादा हमें डिस्प्यूट देखने को मिले फिलीपींस के साथ, बाकी वियतनाम इन सबके साथ। ठीक है, और ईस्ट चाइना सी में आपको पता है हमें चाइना के जो क्लेम है वो काफी ज्यादा एक्सपांशनिस्ट थे। ठीक है, जापान के साथ हमें इनका एक देखने को मिला सेंकाकू आइलैंड्स को लेके। ठीक है, और यूरोपियन नेशन चाहे आपका यूके हो, इन सबका जो है चाइना ने जो है काफी ज्यादा रेटोरिक में इन्वॉल्व रहा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनका आपको पता है बहस देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि चाइना ने इस साल में क्या क्या अपनी असर्टिवनेस दिखाई है, क्या क्या एक्सपांशन पॉलिसी दिखाई है। ठीक है, फिर चाइना ने आपको पता है डब्ल्यूएचओ को भी मैनिपुलेट किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के आपके जो चीफ है वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि वो चाइना के काफी ज्यादा क्लोज है। ठीक है, जिसको लेके वो चाइना को जो है फेवर करते हैं। ठीक है, और डिसेंट के लिए तो वहाँ पे रूम है ही नहीं बिल्कुल, आपको पता है कि चाइना में डिसेंट के लिए बिल्कुल भी रूम नहीं है। ठीक है, वो अपने जब अपने देश में डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते, वो चाइना की मेनलैंड में डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते, तो हांगकांग में तो फिर बहुत दूर की बात है।
ठीक है। तो आपको पता है, मैं आपको बस कुछ ने पहले बताया भी था कि एक साई शिया करके आपके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर थी, ठीक है, उनको जो है एक्सपेल कर दिया गया है सेंट्रल पार्टी स्कूल से, क्योंकि उन्होंने जो है जी जिनपिंग को एक माफिया बॉस कह के पुकारा था, ठीक है। और जैक मा की आपकी कंपनी है, आपको पता है अलीबाबा, ठीक है, उस पर भी जो है हमें कुछ अभी डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर डिसेंट की जो बिल्कुल भी जगह वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें चेंज देखने में मिल सकता है। आपको पता है चाइना जो है पिछले 4 दशकों से इंटरनेशनल सर्कुलेशन पॉलिसी पर काम कर रहा था, कि ना कि उसकी जो इकोनॉमी थी वो एक्सपोर्ट लेड थी, ठीक है। वो लोग निर्यात ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि चाइना की कड़ी निंदा पूरे देश पूरी दुनिया में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अब चाइना जो है इंटर डोमेस्टिक कंजप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। देन वुल्फ वॉरियर अप्रोच जो आपकी है चाइना की, आपको पता है एक वहाँ पे सीरीज थी, ठीक है, जिसमें वुल्फ वॉरियर का नाम था, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो चाइना है वो दुनिया को बचाएगा, वो चाइना को जो है दुनिया को सेव करेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, चाइना जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और खुद को ऐसा दिखा रहा है पूरी दुनिया में कि यही जो है आपकी पूरी दुनिया को सेव कर रहा है, ये आपकी फाइटिंग स्पिरिट को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और मिस्टर जी ने तो कहा भी था कुछ दिन पहले जब वो नेपाल की विजिट पर गए थे कि जो भी चाइना को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसका क्या हाल होगा, स्मैश्ड बॉडीज एंड बोन्स ग्राउंड टू पाउडर, ठीक है। मतलब देख लीजिए कितनी टफ बात इस्तेमाल की गई थी, कितने टफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, स्मैश्ड बॉडीज एंड बोन्स ग्राउंड टू पाउडर। देन फिर आपका मिस्टर जी, ठीक है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर हमने एक सर्वे करवाया था, ठीक है, एक सर्वे करवाया गया था जिसमें ये पाया गया था कि मोस्टली आपके जो रेस्पोंडेंट थे ना, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में जो अपना रेस्पॉन्स दिया था कि वो चाइना की निंदा करते हैं, चाइना के फेवर में वो नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही एक बात है कि अगर मिस्टर जी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल पुश का फेस करेंगे तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव होती जाएगी। ये चाइना का हमेशा से एक टैक्टिक रहा है कि जब भी बाहर से उसको प्रेशर मिलता है तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है अग्रेसिव कर लेता है, जैसा कि हमें अभी स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है LAC पे, ठीक है, लद्दाख में, ये उसके कहीं ना कहीं एक आपका रिजल्ट है। देन ILP की बात करें, इनर लाइन परमिट की, तो आपको पता है अब इसकी बात हुई है तो कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ILP इनर लाइन परमिट, ठीक है, कि ये है क्या, ठीक है, इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू टू लेट इंडियन सिटीजन एंटर द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड, ठीक है। आपके 4 स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में जिनको एंटर करने के लिए इंडियन सिटीजन को इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बिना जो है वहाँ पर एंट्री नहीं होती उनकी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये इश्यू किया जाता है इंडियन सिटीजन को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैंने से क्वेश्चन अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखे हैं जिसमें आपका ILP के बारे में क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि क्या ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को चाहिए होता है या फिर इसको जो है फॉरनर्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ जो आपके इंडिया के जो सिटीजन है ना, जो भारत के आपके लोग हैं, जो भारत के नागरिक है, सिर्फ उन्हीं को चाहिए होता है, बाहर के लोगों को, फॉरनर्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इंडिया परमिट की, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। और आपके जो उसमें 4 स्टेट आपके आते हैं वो आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। तो आप इनको जरूर याद रखना, ANM स्क्वायर, इसको याद रख सकते हैं ANM स्क्वायर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। देन आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी आपकी बात कही थी, मन की बात इस साल की जो आखिरी मन की बात उन्होंने संडे को कही, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स का नाम लिखिए जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे, ठीक है। फिर आप ध्यान दीजिए कि आप इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट को आप जो है डोमेस्टिक मेड प्रोडक्ट से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, और भारत के प्रोडक्ट्स पे जो है कम से कम जो है निर्भरता कम हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता जो भारत अचीव करना चाहता है, आत्मनिर्भर पैकेज, सेल्फ रिलायंट जो इंडिया बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसी के लिए ये जो बात है आपकी है, ठीक है। तो और उन्होंने कश्मीर से सैफरन खरीदने के लिए भी लोगों का कि आप जो है कश्मीर से सैफरन खरीदे कि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। तो अब बाकी की न्यूज़ की बात करें तो उसमें आपका एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो आपके इंडिया में डेली वायरस केस हैं वो आपके 19,000 से कम है आपके 6 महीनों के बाद, ठीक है। देन आपका है नेपाल वाला इशू, आपको पता है कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जो नेपाल में जो आपका हो रहा है अभी, ठीक है, वो वहाँ का इंटरनल मैटर है, ठीक है, हम उस पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर से जो है इंडिया ने अपना जो स्टांस है इसको फिर से जो है कंटिन्यू रखा है। देन आपका SII टू लॉन्च न्यूमोनिया वैक्सीन, ठीक है,
आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो आपकी न्यूमोनिया की वैक्सीन को जो है लॉन्च करने वाला है। इसका नाम आप याद रखना, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका नाम आप याद रखना, क्योंकि इसको भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, इसका नाम आप याद रखना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नाम है ये, ठीक है, पर फिर भी आप इसको याद रखने की कोशिश करना, न्यूमोकोकल पॉलीसैचुराइड कॉन्जुगेट, ठीक है। आई होप मैंने कुछ गलत ना बोला हो, ठीक है, मैंने सही से इसको जो है डिक्टेट किया हो, सही से इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने की हो, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको जरूर आप मेरे को करेक्ट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अफगान पीस टॉक्स फैक्ट टू रिज्यूम इन दोहा, आपको पता है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में पीस टॉक्स चल रही है आपकी दोहा में, कतर की कैपिटल में, ठीक है, तो वो फिर से जो आपका 5 जनवरी को अगले महीने से फिर से कंटिन्यू होने जा रही है, ठीक है। तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, मैंने बाकी पूरी पूरी कोशिश की, ठीक है, तो और कल से जो है अब से पक्का कहता हूँ, कल से जो है पॉइंट वाइज हम फिर से जो है इसकी पीपीटी तैयार करेंगे, ठीक है, फिर से जो इसको करेंगे, आज क्रॉपिंग लगाई उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करके लगाया उसके लिए थोड़ी सॉरी, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टेलीग्राम, थैंक यू सो मच।